हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हमने बेसिकली अपना ट्रेडिंग अकाउंट खत्म कर लिया और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, कुल तीन हमें पढ़ने यहाँ पे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। जिससे तो पहला पोर्शन हो गया आपका ट्रेडिंग। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो, बहुत ही छोटा सा आसान सा फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले वाले के आपको होमवर्क दिए थे 9 तक, तो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। देखो इधर प्रॉफिट लॉस, ध्यान दो इधर, कोई डाउट होगा देख लेंगे उसका। देखो प्रॉफिट लॉस का जो फॉर्मेट है, इसमें जो आता है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इस तरफ आएगा, वही अगर ग्रॉस लॉस होगा तो दोनों तो होगा नहीं, कोई एक ही होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा ना बिजनेस में, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ आपको ट्रांसफर करना है और लॉस होगा तो आपको इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिट में और लॉस डेबिट में। इसके बाद हम यहां लिखेंगे जितने भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम होगी वो इस तरफ आएगी। इनकम में जैसे क्या होगा, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब जो भी आपको इनकम हो रही होगी एक्स वाई जेड, वो सारी इनकम इधर आएगी। और जो भी आपके खर्चे होंगे, कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस, वो सब इधर आएगा। देखो आपको इसके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में क्या 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 खर्चा आता है आपको पता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग के अलावा जो भी बच गया सब, जैसे सैलरी ट्रेडिंग में नहीं आता था इसमें आएगा, कमीशन पेड यहाँ आएगा, इंटरेस्ट पेड यहाँ आएगा, स्टेशनरी परचेज, जो भी खर्चे देखेंगे आपको आउटवर्ड। सर तो लॉस का कौन सा, लॉस मतलब जैसे डेप्रिसिएशन, तो जो भी आपके खर्चे जो ट्रेडिंग में नहीं आते तो सब यहाँ मशीन खर्चा है क्या डिस्काउंट अलाउ भी आएगा, सर रेंट रिसीव आएगा। अब रेंट रिसीव क्या आपके लिए रेवेन्यू है, इनकम इधर आएगा, मतलब आप कितना जानते हो बेसिक खर्चे क्या होता है, इनकम क्या होती है, तो इनकम इधर आना है, खर्चे इधर आने, उन खर्चों को छोड़ के जो ट्रेडिंग में आते थे, ट्रेडिंग में क्या आते थे आपको पता चल गया, तो उनके अलावा जितने भी दिखेंगे सब आएंगे। इसके बाद हम इस वाले अकाउंट का टोटल करेंगे, अगर इस साइड बचता है बैलेंस तो निकलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, वो अगर इस साइड बचता है तो नेट लॉस। मतलब इस अकाउंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है किसी भी अकाउंट, मतलब किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना। पहला अकाउंट आपने ट्रेडिंग पढ़ा, वहां से आपने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद दूसरा अकाउंट ये, जहां से क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। देखो अभी तो आपके जो स्टार्टिंग अभी करो ये वो सिंगल सिंगल करोगे, जैसे हमने पहले पढ़ा इसमें ट्रेडिंग बनाना है, फिर अभी हम पढ़े सिर्फ पीएनएल बनाना है, लेकिन आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे 13 के बाद है, 15 के बाद, वहाँ पे आपको एक साथ तीनों अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। मतलब आपको ट्रेडिंग भी बनाना होगा, पीएनएल भी बनाना होगा, तो एक साथ तीनों अकाउंट बन जाएंगे। पहले आप क्या करोगे, ट्रेडिंग का टोटल करोगे, जो भी उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसको यहाँ ट्रांसफर करोगे, फिर आप क्या करोगे इसका टोटल करोगे, फिर यहाँ से क्वेश्चन निकलगा, फिर अगले में जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्या है कि आपको डायरेक्ट से पीएनएल बनाना है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा, लेकिन जब आगे क्वेश्चन करोगे आप जहां पे आपको एक साथ कंप्लीट तीनों बनाना होगा तो वहां पे गिवन नहीं होगा, वहां पे ट्रेडिंग का टोटल पहले होगा, वहां से निकलेगा, वो यहां भेजेंगे, फिर यहां से निकलेगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल फॉर आपको देखो, दो ही क्वेश्चन आपके बुक में 11 और 12, तो जैसे मैं 11 कराता हूं 12 आप खुद कर लेना, और 10 में एक फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, थोड़ा अलग है, अलग से देख लेंगे उसको, पीएनएल के दो ही ऐसे थे, 11 करा दो 12 आप खुद कर लेना। देखो सबसे पहला हम ढूंढेंगे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो दिया होगा, तो देखो इसमें सबसे लास्ट में लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट इज 45% ऑन सेल व्हिच वाज 6,50,000, लिखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है, तो लिखा हुआ सेल का 45% है और सेल है 6,00,000, कितने का, 50,000 का, तो 6,50,000 का 45% जो भी होगा देख लेंगे, 6,50,000 का 45%, इसमें कोई दिक्कत, 290 to 500 इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये ठीक है। अब आपको पढ़ना है, इनकम होगा तो इधर, खर्चा होगा तो इधर, तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला सैलरी एंड वेजेस, खर्चा है, आ जाएगा सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्ट खर्चा तो है नहीं,
30,000. उसके बाद देखो अगला लिखा कमीशन, खर्चा है कितना, कमीशन 2,000 रुपए. उसके बाद आपका पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी खर्चा आपका. ये आपका कितना 1,500 रुपए. उसके बाद देखो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपने पे करा है. इंश्योरेंस खर्चा आपका कितना 3,000 रुपए. उसके बाद आपका कैरीज आउट बढ़िया भी खर्चा है सर. इंटरेस्टेड पेड भी तो है. छूट गया क्या? यस सर. इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 4,000. इंटरेस्ट पेड है 4,000 और कैरीज कितना है सर? 5,000. उसके बाद एडवर्टाइजिंग, ये भी खर्चा है. एडवर्टाइजिंग आपका 10,000 रुपए. डिस्काउंट, ये भी खर्चा आपका कितना? डिस्काउंट 18,000. अगले का रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव क्या होगा? इनकम तो ज्यादा जाएगा बाय रेंट. रेंट रिसीव 17,000. ये भी आपको मिला है, इनकम है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 15,000. बैड डेट को आपका पैसा लेके भाग गया, लॉस है. यस सर. डेबिट में आ जाएगा कितना बैड डेट? 9,000. ब्रोकरेज पेड, ये भी खर्चा है. सारी चीज हो गई. Yes, बस इसके बाद आपको करना टोटल कर देना. तो अगर ध्यान से देखो ये वाली साइड ज्यादा है. 2,925 + 17,000 + 15,000 इधर टोटल हो गया 3,425,000. सॉरी गलत लिखा मैंने. टोटल आ रहा है 3,245,000. 3,245,000 घटा के जो बचेगा बैलेंस, इधर बचेगा आपका नेट प्रॉफिट आता है. बचता है तो देखते कितना बच रहा है. -30,000 -2,000 -1,500 -3,000 -5,000 -4,000 -10,000 -18,000 -9,000 -950. 241050 है ना. 241050 ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट. क्लियर बात? तो बस ये वाले, ये तो बहुत सिंपल था. मतलब आपके करना है जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है यहाँ लिख दे आपने, लॉस होता तो यहाँ लिख देते. उसके बाद जितने भी इनकम हो इधर, जो भी खर्चे हुए इधर, उन खर्चों को छोड़ के जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं आपका अकाउंट बन गया पीएनएल. देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, दो ही है. एक 11 मैंने करा दिया, एक 12 आपका. बोलो डेप्रिसिएशन है फिर वो. ठीक है, तो मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला, आपको खर्चे सारे यहाँ लिखने हैं. ठीक है सर. उनको छोड़ के जो ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में क्या आता है आपको पता ही है. अगर लिखा होता कैरिज इनवर्ड तो यहाँ नहीं आता, क्योंकि वो ट्रेडिंग में आएगा. तो ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है. आगे जब क्वेश्चन आएगा जहाँ पे एक साथ तीनों कंप्लीट बनाना होगा, वहाँ पे आपको और ज्यादा आसानी होगी. वहाँ पे आपको ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाना होगा. तो वहाँ तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही. अगर जैसे मान लो कैरिज है, इनवर्ड है, तो ट्रेडिंग में आएगा, आउटवर्ड होगा प्रॉफिट लॉस में आएगा. इसका तीसरा हम पढ़ेंगे अगली क्लास में बैलेंस शीट. तो आप ये क्या कहते हैं 12 तक है ना, ये 12 तक कर लेना. आपका दो अकाउंट खत्म हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट. फिर नेक्स्ट में हम देख लेंगे बैलेंस शीट. फिर आएंगे हम कंप्लीट एक साथ तीनों अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाय.